हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, मैं लेके आई हूँ बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज ए सेट डी का। अभ्यास 10 है। इस प्रकार के 16 से 17 सेट है। प्रत्येक सेट में 10 से 12 अभ्यास है। इस प्रकार के 7 से 8 हजार क्वेश्चन है, जिसका मैं डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टीजीटी पीजीटी हो, यूपीएलटी ग्रेड हो, अदर स्टेट के टीजीटी पीजीटी हो, एमपी टेट हो, एमपी सुपर टेट हो, एमपी टेट का एग्जाम हो चुका है, उसके मेन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कंपटीशन एग्जाम फिजिकल एजुकेशन का, तो मेरे चैनल पे आपको थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, वन लाइनर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस से सभी चीजें अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, सभी चीजों को देखिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल पर जाकर के आप सर्च कर सकते हैं स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो दोस्तों, अपना स्कोर चेक कीजिए और वीडियो को पूरा देखिएगा। 100 क्वेश्चनों का सीरीज है। क्वेश्चन है, सरकमडक्शन क्या है? तो सरकमडक्शन क्या है दोस्तों, इसका राइट आंसर है जोड़ की गति। जैसे कि जोड़ों की गति, ज्वाइंट्स मूवमेंट्स वाले वीडियो को आप देखेंगे थ्योरी सेशन में, तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ज्वाइंट्स मूवमेंट्स जो होता है, 4 प्रकार का होता है, ग्लाइडिंग मूवमेंट, एंगुलर मूवमेंट, रोटेटरी मूवमेंट एंड सर्कमडक्शन। तो सर्कमडक्शन, ग्लाइडिंग मूवमेंट में आपका कार्पस टार्सस ज्वाइंट आ जाता है, एंगुलर मूवमेंट में हड्डियों के बीच का कोण बढ़ता है, घटता है, जैसे कि फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एब्डक्शन, एडक्शन। और रोटेटरी मूवमेंट में रोटेशन होता है, घूर्णन होता है, जैसे कि इसमें इनवर्सन, इवर्सन, सुपाइनेशन, प्रोनेशन, इलेवेशन, डिप्रेशन, रिट्रैक्शन, प्रोट्रैक्शन, इनवर्ड आउटवर्ड रोटेशन आता है। एंड सर्कमडक्शन में क्या होता है कि रोटेटरी एंड एंगुलर मूवमेंट दोनों साथ साथ, यानी दोनों का मिश्रण होता है, उसे कहते हैं सर्कमडक्शन मूवमेंट। नेक्स्ट है, डंबल अभ्यास में फ्लेक्शन गति के दौरान कौन सी मांसपेशी संकुचित होती है? तो जब हम डंबल अभ्यास कर रहे हैं, फ्लेक्शन कर रहे हैं, यानी मोड़ रहे हैं अपने बाजू को, उस टाइम हमारा बाइसेप्स मसल जो है वो मुख्य भूमिका अदा कर रही है। कौन सी मसल्स? बाइसेप्स मसल्स। और जो पेशियों की गति में मुख्य भूमिका अदा करती है, उसको कहा जाता है एगोनिस्ट। तो यहाँ बाइसेप्स मसल एगोनिस्ट का काम कर रहा है। जो उस मुख्य मांसपेशी की विपरीत दिशा में काम करता है, उसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। तो यहाँ पे ट्राइसेप्स मसल एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट है, 10 किलोमीटर दौड़ करने में किस शारीरिक क्षमता का पता चलता है? 10 किलोमीटर, यहाँ 2 मिनट से ज्यादा की क्रियाएं होंगी, वहां एंड्योरेंस डेवलप होगा। ये आप ध्यान में रख के काम कीजिएगा। 100, 200, 400 मीटर क्या है? 30 से 45 मिनट सेकेंड की क्रियाएं हैं। तो यहाँ पे स्पीड डेवलप होता है, एनएरोबिक क्षमता डेवलप होता है, लेकिन उससे 2 मिनट से ज्यादा में सहनशीलता डेवलप होती है, एरोबिक क्षमता डेवलप होती है। तो यहाँ 10 किलोमीटर है, तो आपका सहनशीलता यानी एंड्योरेंस डेवलप होगा, एंड्योरेंस का पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट, मोटापा कम करने के लिए कम से कम कितने समय का अभ्यास लाभदायक हो? दोस्तों, डेली बेसिस पे आपको 30 मिनट अभ्यास करना चाहिए, जिससे आप फिट रहेंगे। नेक्स्ट, 1 ग्राम वसा में कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा में 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन में 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है वसा से 1 ग्राम में, लेकिन सबसे जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है आपको कार्बोहाइड्रेट से। आपने डेली रूटीन में सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं कार्बोहाइड्रेट का 60 से 65% एंड 10 से 15% प्रोटीन का यूज करते हैं, और 25 से 30% आपका आप वसा का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग किस खेल में होता है? जैसा कि आप सबको पता है, एथलेटिक्स में होता है, वो भी स्प्रिंट दौड़ों में, 100, 200, 400 मीटर दौड़ में एंड रिले रेस में। नेक्स्ट है, वसा रहित शरीर का भार मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, तो आप स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटअप्स नामक अभ्यास शारीरिक
अभ्यासों में कहां की मांसपेशी को विकसित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो सीटअप से दोस्तों सीधे फोर्स हमारा पेट पर लगता है, तो पेट की मांसपेशी को मजबूत किया जाता है सीटअप से। तीसरे प्रकार के लीवर यानी उत्तोलक में आता है क्योंकि फोर्स बीच में पड़ता है। नेक्स्ट NADA यानी कि नाडा का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? तो नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना 24 नवंबर 2005 में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली है। आज जैसे कि वाडा जो वर्ल्ड लेवल पर है, वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका स्थापना 10 नवंबर 1999 में हुआ स्विट्जरलैंड के लुसेन शहर में, और वाडा का मुख्यालय कनाडा मॉन्ट्रियल शहर में है। वर्तमान अध्यक्ष है वाडा के विटोल्ड बांका। नेक्स्ट है भार संबंधित खेल में खिलाड़ी वजन कम करने के लिए किस डोपिंग पदार्थ का प्रयोग करता है? तो भार को कम करने के लिए ड्यूरेटिक्स का प्रयोग करता है दोस्तों। और इसका जो ड्यूरेटिक्स है, इसका तीन प्रकार से प्रयोग होता है, एक भार को कम करने के लिए, एक डोपिंग को छुपाने के लिए, एक स्त्रियों के मासिक धर्म को डेट को चेंज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर को आकार कौन देता है? तो दोस्तों मनुष्य के शरीर को आकार जो होता है वो मांसपेशी देता है। नेक्स्ट, उच्च आवृत्ति यानी स्कोर वाले प्राप्तांक यानी फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? तो जिसका बार बार फ्रीक्वेंसी हो, दोहराव हो, आवृत्ति हो, उसे हम कहते हैं बहुलक। नेक्स्ट है पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को कैसे दर्शाया जाता है? तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध को रिलेशन को -1 से दर्शाया जाता है, और पूर्ण धनात्मक सहसंबंध को यानी को रिलेशन को +1 से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में सबसे अधिक विश्वसनीय किसे माना जाता है? तो माध्य को माना जाता है, इसमें औसत निकाला जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से पुल अप से क्या विकसित होता है? पुल अप दोस्तों उसमें सबसे ज्यादा हाथ का बांह का प्रयोग होता है, तो यहाँ हाथों की ताकत विकसित होता है पुल अप से। किसकी ताकत विकसित होता है? हाथों की। नेक्स्ट, शरीर की ऊंचाई मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? ऊंचाई या लंबाई मापने को हम कहते हैं स्टेरियोमीटर। क्या कहते हैं? स्टेरियोमीटर। इसमें स्टेथोस्कोप जो है हार्ट रेट मापने का यंत्र है, वेइंग स्केल भार मापने का यंत्र है। नेक्स्ट दोस्तों, काइनेसिस से क्या तात्पर्य है? तो काइनेसिस से तात्पर्य है गति। किनेसियोलॉजी किनेसिस प्लस लोगोस से मिलकर बना है, तो किनेसिस का मतलब होता है गति, लोगोस का मतलब है अध्ययन, यानी कि गति का अध्ययन किनेसियोलॉजी। नेक्स्ट है एच एन वार का संबंध किससे है? तो सांख्यिकी से है, एक सांख्यिकी के पिता भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, 1 मीटर में कितने गज होते हैं? तो एक जैसे कि एक गज में 0.914 गज मीटर होता है, तो 1 मीटर में आपका गज हो जाएगा 1.094 गज। नेक्स्ट है RICE का पूरा नाम क्या है? तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले RICE पद्धति का प्रयोग किया जाता है, जिसको थंब रूल भी बोला जाता है। तो इसमें R से मतलब होता है रेस्ट, एंड I से मतलब होता है आइस यानी बर्फ, सी से कंप्रेशन यानी कि दबाना, ई से इलेवेशन यानी हृदय के ऊंचाई से, हृदय से ऊपर उठाना, ये आपका होता है RICE का मतलब। ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट, इनमें से क्या डोपिंग के अंतर्गत नहीं आता? दोस्तों ड्यूरेटिक्स आता है जो शरीर के भार कम करता है, अफीम से नार्कोटिक्स नामक से दर्द नाशक दवा निकाला जाता है जो दर्द को कम करता है, बीटा ब्लॉकर्स, ये सभी आपका डोपिंग से रिलेटेड है, बट आयरन नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से ऑक्सीजन के संवहन का कार्य कौन करता है? तो आप सबको पता है हीमोग्लोबिन करता है ऑक्सीजन के संवहन का काम। हीमोग्लोबिन में
आरबीसी में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को लेकर समस्त कोशिकाओं शरीर के समस्त कोशिकाओं में पहुंचाता है जहां कोशिकीय श्वसन के द्वारा माइटोकांड्रिया में ऊर्जा उत्पादन होता है। नेक्स्ट है सभी घूर्णन गति किस अक्ष पर क्रियात्मक होते हैं। जितने भी घूर्णन गति है सभी वर्टिकल अक्ष पर क्रियात्मक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है खेलों में चोट लगने के पश्चात खिलाड़ी को पुनः पूर्ण क्षमताओं के साथ मैदान में वापसी के लिए जो चिकित्सकीय प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहते हैं पुनः स्थापन यानी कि रिहैबिलिटेशन, पुनर्वास प्रक्रिया। नेक्स्ट है टेबल टेनिस खेल की टेबल हाल में किस दिशा में रखी जाती है। तो जो टेबल टेनिस खेल की टेबल है वो हाल में रखा जाता है उत्तर दक्षिण दिशा में। कितने उत्तर दक्षिण, आपको ध्यान में रखना है कि केवल खो खो का मैदान पूर्व पश्चिम दिशा में बनता है और सबका उत्तर दक्षिण। नेक्स्ट है फुटबॉल में हवा का दाब किससे मापा जाता है। तो फुटबॉल में हवा का दाब प्रेशर गेज से मापा जाता है, प्रेशर गेज से मापा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों स्ट्रेटजी कब बनाई जाती है। स्ट्रेटजी यानी रणनीति जो होता है वो प्रतियोगिता योजना की ब्लूप्रिंट बोला जाता है, यह खेल से पहले बनाया जाता है स्ट्रेटजी। और जो टैक्टिक्स होता है, टेक्निक होता है वो खेल के दौरान बनाया जाता है। नेक्स्ट है कि वी माइनस यू अपॉन टी से क्या ज्ञात होता है। तो इससे त्वरण ज्ञात होता है। नेक्स्ट है एडक्शन, एडक्शन क्या है। तो दोस्तों एडक्शन जो होता है अपने हाथ को शरीर से दूर ले जाना यानी कंधे को अपने कंधे के लेवल पर उठाना, एंड एडक्शन जो होता है हाथ को पुनः वापस शरीर की तरफ ले जाना होता है। एंड ये क्या है, यह जोड़ों की गति है। क्या है, जोड़ों की गति है। नेक्स्ट है निम्न में से द्वंद्वात्मक खेल कौन सा है। तो द्वंद्वात्मक खेल में आपका दो पक्षों में जो दो खिलाड़ी होते हैं जैसे कि बॉक्सिंग एंड कुश्ती ये सब आते हैं, तो यहाँ पे बॉक्सिंग आपका राइट होगा। नेक्स्ट है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस का माध्यमिक माध्यिका क्या होगा। तो इसका माध्यिका क्या होगा दोस्तों, तो इसका आप निकाल लीजिएगा, इसका सही आंसर है आपका 5.5। जैसे कि माध्यिका निकालने का जब सम संख्या है 10 तो सूत्र होगा n अपान 2वा पद प्लस n अपान 2 प्लस 1वा पद। तो हम देखेंगे कि n अपान 2, n कितना है 10 है, n बराबर 10 है, तो 10 अपान 2 कितना हो जाएगा 5वा पद, प्लस 10 प्लस 1 अपान 2 बराबर छठवां पद। पांचवा पद क्या है गिनेंगे, एक दो तीन चार पांच, पांचवा पद में पांच है, छठवां पद में छह है। तो पांच पांच प्लस छ, छठवां पद यानी 11/2 यानी 5.5 आपका राइट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से क्या सही है। तो यहां पे आपका राइट हो जाएगा, राइट आपका होगा मोड बराबर, मोड यानी कि बहुलक बराबर 3 median - 2 mean। ये सांख्यिकी से सभी क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन जो आ गए हैं। नेक्स्ट है आवृत्ति तालिका में यन से क्या तात्पर्य है। तो दोस्तों जब भी आवृत्ति तालिका में आप यन का यूज करते हैं वो कुल आवृत्ति के लिए करते हैं। नेक्स्ट सहसंबंध यानी कोरिलेशन को किससे दर्शाया जाता है। तो कोरिलेशन को आर से दर्शाया जाता है, किससे, आर से। नेक्स्ट है इथाइल क्लोराइड गैस का प्रयोग खेल चिकित्सा शास्त्र में कहां किया जाता है। तो इथाइल क्लोराइड गैस का प्रयोग खेल चिकित्सा शास्त्र में कोल्ड स्प्रे के रूप में, कोल्ड स्प्रे में किया जाता है। इथाइल क्लोराइड और मिथेन गैस का प्रयोग उसमें होता है। नेक्स्ट उच्च आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी वाले प्राप्तांक को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं बहुलक।
है, अगर किसी प्राप्तांक की आवृत्ति 6 हो तो आवृत्ति तालिका में टैली मार्क कैसे दर्शाएंगे? तो टैली मार्क इस तरह से दर्शाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 4 के बाद हम इसको पांचवा इस पे कटिंग करके गिनेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गया और 1, 6, तो इस प्रकार के जो सिंबल बना है वो आपका राइट होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वर्ग सीमा के बड़ी संख्या यानी ऊपरी सीमा तथा छोटी संख्या निचली सीमा के अंतर को क्या कहते हैं? तो इस अंतर को रेंज बोला जाता है। ठीक है, रेंज बोला जाता है यानी प्रसार। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रमाण विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन को किससे चिन्हित किया जाता है? इसका सही आंसर होगा ख। नेक्स्ट है, सिग्मा एक्स अपान एन किसका सूत्र है? तो यह सूत्र है माध्य का यानी कि मीन का। नेक्स्ट है, अधिकतम प्राप्तांक में से न्यूनतम प्राप्तांक को घटाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? रेंज यानी कि प्रसार बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, चतुर्थांश विचलन का सूत्र क्या है? चतुर्थांश विचलन का सूत्र आपका हो जाएगा राइट आंसर ख, Q3 - Q1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, L1+F1+F2+F1-F4-F2 / I किसका सूत्र है? यह सूत्र है बहुलक का। किसका सूत्र है? बहुलक का, मोड का। नेक्स्ट है, मनोरंजन शब्द किस भाषा के दो शब्दों का योग है? तो यह लैटिन भाषा के दो शब्दों री धन क्रिएशन से मिला है, यानी री का मतलब है पुनः, क्रिएशन का मतलब है निर्माण, यानी कि पुनः निर्माण करना इसका राइट आंसर है, इसका शाब्दिक अर्थ है। नेक्स्ट है, निम्न में से मनोरंजन के शब्द में क्या गलत है? तो मनोरंजन अवकाश के समय का सदुपयोग है, सही है। इसे प्रसन्नता संतुष्टि प्राप्त होती है, तनाव से मुक्ति होती है, राइट है, बट मानसिक हानि नहीं होती है आपका, राइट, गलत है। नेक्स्ट है, मनोरंजन की व्यवसायिक एजेंसियां कमर्शियल एजेंसी में से एक है, तो कौन है दोस्तों? सर्कस, ये व्यवसायिक एजेंसी है मनोरंजन की। नेक्स्ट है, शारीरिक शिक्षा तथा मनोरंजन केंद्रीय बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो इसकी स्थापना हुआ था 1950-51 में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनोरंजन के अंतर्गत नहीं आता है? तो यहाँ पारिवारिक मनोरंजन, व्यावसायिक मनोरंजन, सामुदायिक मनोरंजन आता है, बट रसायन मनोरंजन नहीं आता है। नेक्स्ट है, ग्रामीण मनोरंजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? तो धन की कमी होता है, गाँव में राजनीति का प्रवेश हो गया है, सुविधाओं का अभाव है, उपयुक्त सभी कारक हैं प्रभावित करने वाले ग्रामीण मनोरंजन को। नेक्स्ट है, कॉलेज तथा विश्वविद्यालय में मनोरंजन के अंतर्गत क्या नहीं आता है, ये देखना है आपको। तो खेलकूद आता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है, साहित्यिक क्रियाएं भी होता है, ये तीनों चीजें होती हैं, बट छात्र संघ इसमें नहीं आएगा मनोरंजन के अंतर्गत, छात्र संघ का चुनाव। नेक्स्ट है, साहित्यिक गतिविधियों में मनोरंजन गतिविधि कौन सी है? तो निबंध लिखना एक साहित्यिक गतिविधि मनोरंजन का है। नेक्स्ट है, शारीरिक बल वाले मनोरंजन क्रियाएं हैं, इसमें कौन है शारीरिक बल वाला? शतरंज, लूडो, कैरम, ये मानसिक शक्ति वाला ज्यादा है, शारीरिक इसमें बल का कम प्रयोग होता है, ये फुटबॉल आपका शारीरिक बल वाले मनोरंजन क्रियाएं हैं। नेक्स्ट है, जन्मदिन की पार्टी निम्न में से कौन सी मनोरंजन गतिविधि में आती है? तो जन्मदिन की पार्टी है तो जाहिर सी बात है सामाजिक मनोरंजन में आता है। नेक्स्ट है, रिक्रिएशन शब्द का क्या अर्थ है? तो रिक्रिएशन में क्रिएशन शब्द का क्या अर्थ है? तो री का मतलब होता है पुनः, क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण करना, तो यहाँ ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, निर्माण करना। क्रिएशन का राइट मतलब क्या हो जाएगा?
निर्माण करना, यानी मनोरंजन का मतलब है पुनः निर्माण करना, रिक्रिएशन। नए तीरंदाजी किस प्रकार के मनोरंजन में आता है? जो तीरंदाजी होता है वह खेलकूद मनोरंजन में आता है। नेवसा जिस चिकित्सा विधि में मोम का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको हम कहते हैं वैक्स थेरेपी या मोम चिकित्सा। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय विधि जिसका प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे दोस्तों कहते हैं डायपल्स थेरेपी, जिसमें विद्युत चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं उसको? डायपल्स थेरेपी, जिसे विद्युत चुंबकीय विधि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उस चिकित्सकीय विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, कंट्रास्ट बाथ जो होता है इसमें बारी बारी से गर्म और ठंडे पानी का प्रयोग किया जाता है, पहले ठंडा पानी फिर गर्म पानी का प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। निम्न में से पेशी प्रभावी साधन किसे कहते हैं? तो दोस्तों पेशी प्रभावी साधन ऐसा साधन जो हमारे मसल्स को और कार्य क्षमता को बढ़ावा देता है उसको कहते हैं एर्गोजेनिक एड्स। सही तरीके से जैसे कि इस कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पोषणात्मक एड्स एंड फिजियोलॉजिकल एड्स, साइकोलॉजिकल एड्स एंड औषधि एड्स, ये सभी आपके ऐसा साधन जो हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, मांसपेशी को शक्ति को बढ़ाता है, ये आते हैं आपके एर्गोजेनिक एड्स में। लेकिन डोपिंग किसे कहते हैं? ऐसे मादक पदार्थों का सेवन या गलत तरीके से सेवन मादक पदार्थों का करके अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना डोपिंग कहलाता है। तो एर्गोजेनिक एड्स और डोपिंग में यही अंतर है। एर्गोजेनिक एड्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो थ्योरी वाले सेशन को एर्गोजेनिक एड्स में आप देख सकते हैं खेल चिकित्सा वाले प्लेलिस्ट में जा करके। नेक्स्ट है निम्न में से हाइड्रोथेरेपी के अंतर्गत नहीं आता है। हाइड्रोथेरेपी यानी जल चिकित्सा के अंतर्गत आपका भंवर स्नान यानी व्हर्लपूल बाथ आता है, कंट्रास्ट बाथ आता है, काइनेटिक्स भी आता है, बट आपका अल्ट्रासाउंड नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट है खेल के दौरान किसी खिलाड़ी को मोच आ जाए तो प्राथमिक उपचार में सबसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है? तो सबसे पहले हम बर्फ का प्रयोग करेंगे, जितने भी एथलेटिक्स संबंधी चोटें हैं उसमें सबसे पहले हम बर्फ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है खेल में चोटों से बचाव के सिद्धांत में सबसे पहले किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों तो सबसे पहले सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत है कि खेल में चोटों से बचाव के सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों यहां पे फिटनेस दिया है, फिटनेस तो महत्वपूर्ण है ही, फिटनेस लेवल रहेगा आपका तो आपको चोट कम लगेगा, बट खेल में चोटों से बचाव के सिद्धांत में सबसे पहले सिद्धांत है, सबसे पहले तो हम बचाव के लिए वार्म अप करते हैं, बट यहां पर आंसर दिया है फिटनेस। ठीक है, लेकिन चोटों से किसी भी खेल के क्रिया को करने से पहले हम क्या करते हैं? वार्म अप करते हैं, जिससे हमारे शरीर में लचीलापन और सर्कुलेशन अब बढ़ जाए, जिससे लचीलापन आ जाए और चोट कम लगे। नेक्स्ट, जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जोड़ के पूर्व स्थिति से अलग हो जाए या खिसक जाए तो यह क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं डिसलोकेशन, जैसे कंधों का डिसलोकेशन सबसे ज्यादा होता है। निम्न में से एर्गोजेनिक एड्स के प्रकार कौन से हैं? इसे पोषणात्मक एड्स, मनोवैज्ञानिक एड्स, औषधात्मक एड्स, ये सभी प्रकार के हैं, उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है खेलों में मोच आने का क्या कारण है? तो दोस्तों खेलों में मोच आने का इसमें क्या कारण है? जोड़ों का मुड़ना। क्या है? जोड़ों का मुड़ना, जिसको स्प्रेन बोला जाता है, लिगामेंट के टूटने के कारण होता है, अत्यधिक खिंच जाने के कारण होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी लिगामेंट की चोट है? तो क्या है? इसे मोच यानी स्प्रेन है, लिगामेंट की चोट।
लिगामेंट क्या करता है, दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है। इसमें अत्यधिक खिंचाव के कारण मोच यानी कि स्प्रेन होता है। और टेंडन क्या करता है, कंकाल मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है और इसमें चोट आ जाने से खिंचाव होता है यानी कि स्ट्रेन हो जाता है। मांसपेशी या टेंडन की चोट को स्ट्रेन यानी खिंचाव कहते हैं, लिगामेंट की चोट को मोच यानी कि स्प्रेन बोला जाता है। नेक्स्ट है खेलों में लगने वाली चोटें व उनका उपचार एवं पुनः स्थापना का अध्ययन है। तो ये सभी अध्ययन किया जाता है आपका खेल चिकित्सा के अंतर्गत। नेक्स्ट है यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स का उदाहरण है। तो दोस्तों यांत्रिक एर्गोजेनिक एड्स में हमारा उपकरण कैसा होना चाहिए, पहनावा कैसा होना चाहिए, जूता कैसा होना चाहिए, ये सभी आते हैं। जैसे कि वैज्ञानिक जूते, वैज्ञानिक कपड़े, वैज्ञानिक उपकरण, उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट है उस थेरेपी विधि को क्या कहते हैं जिसमें पैराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तो पैराध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है अल्ट्रासाउंड थेरेपी में। किसमें, अल्ट्रासाउंड थेरेपी में। नेक्स्ट है घुटने में चोट लगने की संभावना विशेष और किस खेल में ज्यादा होती है। तो यह फुटबॉल में सबसे ज्यादा घुटने में चोट लगने की संभावना होता है। नेक्स्ट है किसी क्रिया को कम से कम समय में करना क्या कहलाता है। दोस्तों किसी भी क्रिया को कम से कम समय में करने को चाल यानी कि स्पीड बोला जाता है। यह 5 प्रकार का होता है, रिएक्शन एबिलिटी यानी कि प्रतिक्रिया योग्यता, एक्सीलरेशन एबिलिटी यानी त्वरण योग्यता, मोमेंटम यानी कि गति की चाल, लोकोमोटर एबिलिटी यानी प्रचलन योग्यता, स्पीड एंड्योरेंस। इन पांचों के बारे में मैंने डिटेल में बताया है। स्पीड वाले वीडियो को आप देख सकते हैं स्पोर्ट ट्रेनिंग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट है वह क्षमता जिसमें व्यक्ति लंबे समय तक थकान की स्थिति में भी किसी कार्य को करता है, तो क्या कहते हैं उसको। लंबे समय की क्रिया और थकान दोनों शब्द आते ही आप हमेशा एंड्योरेंस यानी सहनशीलता पर चले जाइएगा। नेक्स्ट है एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में निम्न कारकों में से किस कारक का मुख्य रूप से होना आवश्यक है। तो उसमें सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचकता होना आवश्यक है एक जिम्नास्टिक के खिलाड़ी में। नेक्स्ट है स्वीडिश विधि का क्या नाम है जिसे स्पीड प्ले भी कहा जाता है। तो इसको कहते हैं फॉर्टलेक ट्रेनिंग मेथड, जिसकी खोज 1937 में गोस्टा होमलर ने किया था। यह एंड्योरेंस डेवलप करता है। नेक्स्ट है वह सहनशीलता को विकसित करने की विधि जिसमें प्रतियोगी कई प्रतियोगिताओं में भाग लेते हैं। तो दोस्तों इसको कहते हैं कंपटीशन विधि। एंड्योरेंस को डेवलप करने की 4 विधियां हैं, कंटीन्यूअस मेथड, इंटरवल मेथड, रिपीटेशन मेथड, कंपटीशन मेथड। नेक्स्ट है किस अभ्यास को लंबे समय तक अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहित कर किया जाना कौन सा अभ्यास कहा जाता है। तो किसी अभ्यास को लंबे समय तक अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करके करते हुए क्रिया किया जाना या अभ्यास किया जाना क्या कहलाता है। तो लंबे समय तक अधिकतम ऑक्सीजन ग्रहण करते हुए यह क्या होगा, एरोबिक हो गया। क्या हो गया, एरोबिक हो गया। अब बिना ऑक्सीजन के कम समय की क्रिया को एनएरोबिक कहते हैं। नेक्स्ट है लचकता मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। लचकता यानी फ्लेक्सिबिलिटी मापने को हम यहाँ पे गोनियोमीटर, एयरगन दोनों आपका राइट हो जाएगा। तो क ख ग दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी या मांसपेशियों का समूह लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखता है। तो दोस्तों लंबे समय तक उच्च गति को बनाए रखना उसको कहते हैं लोकोमोटर क्षमता यानी कि लोकोमोटर कैपेसिटी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि मांसपेशी या मांसपेशी समूह के उच्च क्षमता को लंबे समय तक बनाए रखना, बनाए रखना शब्द आ जाए जहां पे, वो लोकोमोटर एबिलिटी होता है या स्पीड का प्रकार है। और स्थिर अवस्था से गति अवस्था में एकाएक आना वो होता है एक्सीलरेशन एबिलिटी, त्वरण योग्यता। नेक्स्ट है खेल समाप्ति के पश्चात खिलाड़ी को क्या करना चाहिए। तो खेल शुरू करने से पहले तो हम अपने शरीर को तैयार करते हैं, वार्म अप करते हैं, और खेल समाप्ति के पश्चात हम क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट है, अच्छे लचीलेपन के लिए शरीर का कौन सा भाग इसके अनुरूप होना चाहिए? तो अच्छे लचीलेपन के लिए ज्वाइंट्स अच्छा होना चाहिए, जो अनुरूप होना चाहिए। नेक्स्ट है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु यानी सेंट्रल ग्रेविटेशनल पॉइंट शरीर का कहाँ होना चाहिए? तो जितना नीचे होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बिंदु यानी सेंट्रल ग्रेविटेशनल पॉइंट, उतना ही संतुलन अच्छा होगा। जैसे कि महिलाओं की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट पुरुषों की अपेक्षा नीचे होती है, इसलिए ज्यादा संतुलन की क्रियाएं कर लेती हैं, क्योंकि नीचे का हिस्सा उनका चौड़ा यानी भारी होता है। नेक्स्ट, आइजैक न्यूटन द्वारा गति के कितने नियमों का प्रतिपादन किया गया है? तो आप सबको पता है, तीन नियमों का प्रतिपादन किया है। पहला जड़त्व का नियम, दूसरा संवेग यानी त्वरण का नियम, तीसरा क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। नेक्स्ट है, अगर कोई वस्तु आराम की स्थिति में हो या गति की स्थिति में हो तो वह उस स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। तो यह कौन सी परिभाषा है, किस न्यूटन के किस लॉ में आता है? दोस्तों यह जड़त्व के नियम में आता है, ठीक है। किसमें? न्यूटन के प्रथम लॉ जड़त्व के नियम के अंतर्गत आता है कि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। नेक्स्ट है, स्त्री के शरीर में पुरुषों की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहाँ होता है? दोस्तों तो स्त्रियों के शरीर की जो गुरुत्वाकर्षण बिंदु होता है पुरुषों से नीचे होता है। कहाँ होता है? नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि निचला हिस्सा उनका भारी और चौड़ा होता है, और जितना नीचे होगा गुरुत्व के अंदर संतुलन की क्रिया उतना ही अच्छा होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितने प्रकार के एक्सिस यानी अक्ष होते हैं? तो तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से तीन प्रकार? फ्रंटल, सेजिटल, वर्टिकल एंड प्लेन यानी अक्ष कितने होते हैं? वो भी तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। तो प्लेन और एक्सिस दोनों आपके तीन प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर को बल कौन प्रदान करता है? तो बल दो प्रकार का होता है, एक आंतरिक बल, एक बाह्य बल। तो आंतरिक बल जो होता है मानव शरीर को बल प्रदान करता है उसकी मांसपेशियां। कौन प्रदान करता है? मांसपेशियां। और बाह्य बल में आपका गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट, संवेग यानी मोमेंटम का नियम न्यूटन के कौन सा नियम है? दोस्तों तो संवेग और मोमेंटम जो होता है वो न्यूटन का दूसरा नियम, कौन सा नियम है? न्यूटन का दूसरा नियम है, ठीक है। नेक्स्ट है, अभिकेंद्र तथा उपकेंद्र बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? अभिकेंद्र उपकेंद्र यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहा जाता है न्यूटन के तीसरे नियम को। तो तीसरे नियम के अंतर्गत यह आएगा। नेक्स्ट है, एक फुटबॉल का खिलाड़ी बॉल को अपने खिलाड़ी के पास किक मारने के लिए न्यूटन के किस नियम का मुख्य रूप से प्रयोग करता है? तो यह आपका न्यूटन के दूसरे नियम का प्रयोग कर रहा है। किस नियम का? जब वो किक मारेगा तो जो बॉल है वो मूवमेंट करेगा, ठीक है, संवेग होगा, ठीक है। तो वेग परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं एक्सीलरेशन यानी संवेग। तो यहाँ पे न्यूटन के सेकेंड लॉ का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है, विराम की विपरीत स्थिति को क्या कहते हैं? कोई वस्तु विरामावस्था में है, हमने वाह बल लगा करके उसको गति अवस्था में कर दिया, तो विराम की विपरीत स्थिति को हम गति कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से न्यूटन का तीसरा नियम कौन सा है? तो न्यूटन का तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, ठीक है, जैसे दीवार पे गेंद को मारना। नेक्स्ट है, स्प्रिंट दौड़ों के लिए धावक स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग न्यूटन के किस नियम के लाभ के लिए करता है? तो दोस्तों यहाँ पे यह आपका हो जाएगा न्यूटन का तीसरा नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो हम स्प्रिंट दौड़ों के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक का प्रयोग करते हैं। जितना पीछे उसको धक्का देते हैं वो उतना ही आगे धक्का देता है। तो थर्ड लॉ यानी क्रिया प्रतिक्रिया का, जितना आप वस्तु पर बल लगाएंगे वो भी आप पर उतना ही बल लगाएगा, उसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। क्या? स्टैटिक ब्लॉक का प्रयोग न्यूटन के किस नियम के लाभ के लिए किया जाता है? तीसरे नियम के लाभ के लिए। नेक्स्ट है, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ निम्न में से किसे अधिक मिलेगा? छोटे कद वाले को, कि लंबे कद वाले को, कि दोनों को, कि किसी को नहीं? तो यह छोटे कद वाले को मिलेगा ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल का लाभ,
क्योंकि इसका जो गुरुत्व केंद्र होगा नीचे होगा। नेक्स्ट, मानव शरीर को गति कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो यहाँ पे संधियां तीन प्रकार की होती है, चल संधि, अर्धचल संधि, अचल संधि। यहाँ पे अचल संधि में कोई गति नहीं होता है, तो चल संधि अर्धचल संधि यहाँ पे राइट हो जाएगा। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, क, ख दोनों। नेक्स्ट है, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को निम्न में से किससे अंकित किया जाता है? तो त्वरण को ए से अंकित किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है दोस्तों? तो वह है आपका फुटबॉल। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को ध्यानचंद के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पहला विजयी खिलाड़ी जिसे पहली बार जैतून की टहनी का मुकुट पहनाया गया था, तो वो था कराइबोस 776 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट है, जॉगिंग शू के यानी जो जॉगिंग के जूते होते हैं उसके सोल में जो काली पट्टी या परत लगी रहती है उसका क्या महत्व है? तो दोस्तों वो काली पट्टी या परत क्या करती है? घर्षण के कारण गर्मी को वही रोकता है। ठीक है, घर्षण के कारण गर्मी को वही रोकता है, ये उसमें लगी काली पट्टी का उपयोग होता है। नेक्स्ट है, दाएं कान के नीचे स्पर्श कर हृदय दर किस धमनी के कारण पता लगाई जाती है? तो दोस्तों यह आपका कैरोटिड धमनी के द्वारा पता लगाई जाती है, दाएं कान के तरफ स्पर्श करके अपने हृदय दर को। पहले जब स्टेथोस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था तो इसी प्रकार से हृदय दर को मापा जाता था, अनुमान लगाया जाता था, और लोग नाड़ी का प्रयोग करते थे यानी कि रेडियस हड्डी के पास कलाई पर टच करते थे और वहां पे पकड़ के जान लेते थे कि हाँ आदमी जिंदा है कि मर गया है उसके हृदय के धड़कन से। और हमारे एड़ी पर भी पता चलता है हृदय का धड़कन का ज्यादातर। ठीक है, तो दोस्तों ये था 100 क्वेश्चंस। आई होप कि अभी को सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और दोस्तों इसी तरह वीडियो डेली बेसिस पे पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय।